नमस्कार भैया बहनों, आज हम एक नए शीर्षक एक नया पाठ का पुनर्भ्यास करेंगे। आज का शीर्षक है हमारा कारक। कारक अर्थ होता है करने वाला, किसी क्रिया को संपादित करने में, किसी क्रिया को पूरा करने में जिसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है कारक। कारक छह प्रकार के होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि सात प्रकार के कारक होते हैं, सामान्यतः छह प्रकार के कारक होते हैं। संबंध को हम कारक में नहीं गिनते हैं। संबंध का काम होता है दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच संबंध को जो दर्शाता है उसे संबंध कहते हैं। इसको कारक में नहीं गिना जाता है। कारक जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये छह कारक होते हैं। इनकी सबकी अलग अलग विभक्ति है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कारक जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है और उसका जो पहचान चिन्ह होता है वो होता है ने। आप वाक्य में पढ़ेंगे तो सामान्यतः आपको ने नजर नहीं आएगा। राम पढ़ता है, ये कर्ता कारक का उदाहरण है। लेकिन राम ने पढ़ा, अगर आप उसे दूसरे भाव से चिंतन करेंगे तो आपको वहां जो है कर्ता कारक की भूमिका नजर आएगी। तो पहला जो कारक है कर्ता कारक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और उसका जो पहचान चिन्ह होता है वो होता है को। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें जो पुस्तक है वो कर्म कारक का उदाहरण है। इसको आप दूसरे तरीके से वाक्य को बोलेंगे कि राम पुस्तक को पढ़ता है, तो इसमें को छिपा हुआ है, तो ये कर्म कारक जो है, ये कर्म कारक का जो उदाहरण है वो पुस्तक है इस वाक्य में। उसके बाद तीसरा जो कारक है वो है करण। करण में तृतीय विभक्ति होती है, उसका पहचान चिन्ह से या के द्वारा। राम गेंद से खेलता है, तो गेंद से उसके साथ आ गया, ये करण कारक का उदाहरण है जिसमें तृतीय विभक्ति होती है। या राम जो है साइकिल के द्वारा बाजार जाता है, तो साइकिल के द्वारा जाता है, साइकिल से जाता है, तो वो करण कारक का उदाहरण है। इसके बाद है संप्रदान कारक, जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका पहचान चिन्ह है के लिए। जैसे राम श्याम को धन देता है या दूध देता है या भोजन देता है, तो सामान्यतः तो वहाँ श्याम को ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसे अगर चतुर्थी के भाव में देखेंगे तो राम श्याम के लिए दूध देता है, तो जिसको दिया जा रहा है उसमें संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है अपादान कारक, जिसमें पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वो होता है से। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में अलग होने के अर्थ में से, यहाँ तृतीय में लिखा करण कारक में, से यहाँ भी है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ अलग होने के अर्थ में है पंचमी में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है वो अपादान कारक है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी, उसका रूप बनेगा वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। आगे बढ़ते हैं, तो संबंध है और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, उसका पहचान चिन्ह का के की रा रे वी। तो यहाँ पे संबंध जैसे मैंने बताया था दर्शाता है राम की पुस्तक, तो राम और पुस्तक के बीच में जो की है वो उन दोनों के बीच का संबंध दर्शा रहा है। राम के पिता या मेरे पिता, रे मेरा विद्यालय, मेरी पुस्तक, तो ये का के की रा रे वी ये संबंध को दर्शाता है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अंतिम में है अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, उसका पहचान चिन्ह होता है मे और पर। तो इस प्रकार ये पूरा एक कारक प्रकरण है, इसको आप ध्यान से पढ़ें कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा उसका पहचान चिन्ह होता है। धन्यवाद।